तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको बता दें कि सीएचओ और नर्सिंग कर्मियों की नारेबाजी, पीसीसी के बाहर लगा रहे हैं नारे, पुलिस कर्मियों ने पीसीसी के अंदर दाखिले से रोका, बीते दिनों भी पीसीसी पर किया था प्रदर्शन। तो लगातार 60वें दिन सीएचएस का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है और इसी क्रम में सीएचओ और नर्सिंग कर्मियों की नारेबाजी भी देखने को मिली। पीसीसी के बाहर लगा रहे हैं नारे, पुलिस कर्मियों ने पीसीसी के अंदर घुसने से रोका है, तो वहीं बीते दिनों भी पीसीसी पर प्रदर्शन किया गया था। लगातार प्रदर्शन जारी है सीएचएस की ओर से, अपनी आवाज वो हर एक स्तर तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी ओर से लगातार ये कहा भी जा रहा है कि कोरोना के मुश्किल दौर में हम लोगों ने मरीजों की सेवा की, लोगों की जान बचाई और अब जब कोरोना खत्म हुआ है तो हमें नौकरी से निकाला गया है, तो ऐसे में फिर से हमें नौकरी पर लगाए, सरकार से ये मांग लगातार वो कर रहे हैं। अब सीएचए और नर्सिंग कर्मियों की नारेबाजी भी देखने को मिली है, पीसीसी के बाहर नारे लगा रहे हैं, पुलिस कर्मियों ने पीसीसी के अंदर दाखिले से रोका है, तो वहीं बीते दिनों भी पीसीसी पर प्रदर्शन किया गया था। सीएचएस की ओर से किया गया था, एक डेलीगेशन की मुलाकात भी हुई थी मंत्रियों से और लगातार इस तरीके से बातचीत का दौर लगातार जारी, हर एक स्तर तक वो अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी ओर से साफ तौर पर कह दिया गया है कि चाहे आंधी आए या तूफान आए या तेज बारिश आए, हम अपनी जगह से नहीं हटने वाले हैं जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती है। अब इसी क्रम में तस्वीरें भी जरा आप देखिए किस तरीके से पीसीसी के बाहर नारेबाजी की जा रही है। सीएचए और नर्सिंग कर्मियों की ओर से नारेबाजी की जा रही है, तमाम मांगे जिनको लेकर के नारेबाजी की जा रही है। सर हम 60 दिन से धरना स्थल बैठे हुए हैं, गवर्नमेंट हमारी एक भी मांग नहीं सुनी। हमने पहले भी मीडिया के माध्यम से चेताया था कि हमारे भाई बनी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चल रहे हैं, अगर सरकार नहीं सुन दिया तो आत्महत्या के कगार पर। कल हमारे एक भाई ने नौकरी के डिप्रेशन में आकर आत्महत्या कर ली। हम सरकार को चेताना चाहते हैं तस्वीर लेके कि कल एक ने किया, अगर आपने जल्द से जल्द सुनवाई नहीं की तो ये कदम और भी उठा सकते हैं, उसकी जिम्मेदार खुद कांग्रेस सरकार होगी। नेता आज तक जो कांग्रेस के नेता हमसे मिलने में इस तरह से कतरा रहे हैं जैसे हम कोई दूसरे देश से आए हैं, जैसे हम उनके मार रहे हैं, पीट रहे हैं, कपड़े फाड़ रहे हैं। ये अगर हमारी मांगे नहीं मानते हैं तो ये नौबत भी आएगी, नेता का हर जगह गांव मोहल्ले में हर जगह विरोध होगा, अगर जरूरत पड़ी तो उनके कपड़े भी फाड़े जाएंगे। अगर अब बीजेपी का एक नेता हमारा साथ दे रहा है डॉक्टर किरोड़लाल मीणा जी, उसके अलावा कोई बीजेपी का नेता नहीं दे रहा, अब कांग्रेस बीजेपी दोनों के नेताओं का विरोध होगा, गांव गांव गली गली मोहल्ले तहसील स्तर पर विरोध होगा, इनको कहीं भी जाने लायक नहीं छोड़े जाएगा। पीसीसी के बाहर नारेबाजी हो रही है और जिस तरीके से प्रतिक्रिया सामने आई है तो निश्चित तौर पर आंदोलन कर्मियों के तेवर तल्ख हो चले हैं। उनकी ओर से साफ कह दिया गया है कि आंदोलन इसी तरीके से जारी रहेगा और अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो उनकी ओर से ये विरोध प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। लगातार वो आंदोलनरत भी है, अपनी मांगे हर स्तर तक वो उठाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने बड़ा सवाल ये भी उठाया है कि क्यों उन्हें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, क्यों उनके डेलीगेशन को मुलाकात के लिए नहीं भेजा जा रहा है अंदर, क्या वजह इसके पीछे, कहीं हम दूसरे देश से तो नहीं आए हैं, इसी देश के नागरिक हैं, तो ऐसे में क्यों हमें मिलने नहीं दिया जा रहा है। तमाम सवाल सीएचएस की ओर से उठाए जा रहे हैं और ये तस्वीर भी आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से सीएचएस इस तस्वीर के साथ यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे एक साथी ने सुसाइड कर लिया डिप्रेशन में आकर के कि नौकरी नहीं लग रही है वापस से, तो ऐसे में ये एक मामला सामने आया। अगर इसी तरीके से हठधर्मिता जारी रहेगी तो आने वाले वक्त में कई और ऐसे मामले, ऐसे मसले सामने आ सकते हैं। सीएचए और नर्सिंग कर्मियों की नारेबाजी पीसीसी के बाहर देखने को मिल रही है, पीसीसी के बाहर सीएचएस और नर्सिंग कर्मी नारे लगा रहे हैं, पुलिस कर्मियों ने पीसीसी के अंदर दाखिले से रोका है, बीते दिनों भी पीसीसी पर प्रदर्शन किया गया था, अब उस दिन भी प्रदर्शन हुआ, उसके बाद एक बार फिर से सीएचएस यहां पर पहुंचे हैं पीसीसी में, क्योंकि जनता दरबार लगा हुआ है, मंत्री दरबार लगा हुआ है जहां पर जनता आकर अपनी समस्याएं मंत्रियों के समक्ष रख सकती है।